मुंबई के चर्च गेट के गरवारे क्लब हाउस में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उमंग चैरिटेबल ट्रस्ट के 2022 का वार्षिक कैलेंडर का विमोचन महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री और गरवारे क्लब हाउस के वाइस चेयरमैन राजकीय पुरोहित के हाथों किया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर उमंग चैरिटेबल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी जावेद खान, ट्रस्टी महबूब खान खैरवा, ट्रस्टी संपत राज जैन, समाज सेवी मखमूर खान और भाजपा नेत्री पुष्पा नागदा मौजूद रही। इस पर देखिए हमारी ये खास कवरेज। जो कैलेंडर बना है 2022 का, उसका उद्घाटन हुआ है। पहले भी जावेद भाई उमंग ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से अलग अलग गतिविधियाँ समाज के हित के लिए, गरीब समाज के लिए, जरूरतमंद समाज के लिए, विद्यार्थियों के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटी वासियों के लिए करते आए, परंतु इस बार एक कैलेंडर एक ऐसी चीज़ है जो समय बताती है, अर्थात समय के साथ चलने वाले जावेद भाई। जावेद भाई का जो इतिहास है वो सेवा का इतिहास है, लोगों के साथ जुड़ने का इतिहास है। और कैलेंडर क्या है? समय को जोड़ता है, व्यक्ति को जोड़ता है और आने वाले समय के बारे में जानकारी देता है। ये बहुत सोच समझ के ही उमंग चैरिटेबल ट्रस्ट ने ये कैलेंडर का प्रकाशन किया। अब कैलेंडर का प्रकाशन तो बहुत लोग करते हैं, परंतु उसका क्वालिटी उसमें होती है, इनकी क्वालिटी, इनकी इन्फॉर्मेशन और साइज। कई सारे कैलेंडर ऐसे बनते हैं जो दिखते भी नहीं है, कई सारे ऐसे कैलेंडर बनते हैं जिसमें खुद के फोटो छपते हैं, वो एक नाटक हो गया। परंतु ये समाज के हित में, समाज के उपयोगी समाज उपयोगी कैलेंडर छपा है। सर, नए साल का कैलेंडर है जैसा आपने जिक्र किया, बहुत क्वालिटी वाला है, बेहतरीन कैलेंडर है। और नए साल के मौके पर राजकीय पुरोहित सर की तरफ से प्रवासी समाज के लिए, मुंबई वासियों के लिए, देशवासियों के लिए क्या वेस्ट विशेष है, क्या सुन? देखिए, आज 2021 समाप्त हो रहा है, करीबन 6 घंटे बचे, 2022 आ रहा है। मेरा ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि आने वाला 22 वर्ष हमारे देश की सीमाएं मजबूत हो, सीमाएं सुरक्षित हो। आज हमारी सीमाओं पर पाकिस्तान और चीन तकलीफें दे रहे हैं, तो हमारी सीमाएं मजबूत हो, हमारे सैनिक मजबूत हो और आम पब्लिक के लिए देश की आर्थिक विकास हो, क्योंकि रोजगार तभी मिलेगा जब आर्थिक विकास होगा, नौकरियां तभी मिलेगी जब आर्थिक विकास होगा, GDP तभी बढ़ेगा जब आर्थिक विकास होगा। तो आर्थिक विकास में ही देश का हित है। और तीसरा, कोरोना, कभी कोरोना, कभी डेल्टा कोरोना, कभी ओमिक्रॉन कोरोना, कभी वायरस, इससे पूरी दुनिया परेशान हो गई और सबके मन में एक ही भय है कि अभी क्या होगा, अब क्या होगा में से ही 2022 हमको निकालना है, कोरोना ख़त्म करना है। कोरोना कैसे ख़त्म होगा, ओमिक्रॉन कैसे ख़त्म होगा? जब जनता जागरूक होगी जी, जब भीड़ कम होगी, मास्क पहनेगी, हाथ धोएगी, दूरी रखेगी। मेरा कहना है कि आज जो जरूरत है ना 2022 में, जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि जनता जिम्मेदारी स्वीकार करे, अगर भाषणों से तो नहीं होगा, एडवर्टाइजमेंट से तो नहीं होगा, TV और रेडियो से तो नहीं होगा, ये कब होगा? जब प्रत्येक व्यक्ति ये जिम्मेदारी ले कि मैं डिस्टेंस रखूँगा, हाथ धोऊँगा, मास्क पहनूँगा, तब जाके ये सफल होगा। तो 2022 के लिए मास्क पहने, सावधानियाँ रखें, आर्थिक विकास में सहयोग करें और सीमा पर मजबूत हो और देश के सैनिकों को मेरा नमन। सर, आपसे एक आखिरी सवाल। सर, आपने GST की जो लड़ाई लड़ी थी व्यापारियों के लिए, सर आप मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, कोई भी मुद्दा हो आप हमेशा उठाते हैं, तो GST के आपने जो जंग जीता है, क्या कहना चाहेंगे? आज से करीब 1.5 महीने पहले सूरत के व्यापारी और मुंबई के व्यापारी, कपड़ा बाजार के व्यापारी मेरे पास आए थे और बोले कि 5% से 12% GST का हुआ है और 1 जनवरी से लागू होने वाला है। जी, अगर 1 जनवरी लागू हो जाता है तो व्यापारी समाज के लिए तकलीफ है, आम गरीब के लिए तकलीफ है और कॉटन में आम प्रति लोगों को 1200 रुपये में 12 रुपये बहुत बड़ा राशि हो जाएगा। और उन्होंने मुझे ये लड़ाई हाथ में दी, मैंने इसको जिद के साथ स्वीकार किया और मैं गुजरात गया, वहाँ के नेताओं से, व्यापारी नेताओं से मिला, मुंबई के विभिन्न संस्थाओं से मिला, यहाँ पर एक्शन ग्रुप बनाया, केंद्र में अमित शाह जी से मिला, नड्डा जी से मिला, देवेंद्र जी से, चंद्रकांत दादा से, यहाँ तक कि NCP के हमारे जो अजीत दादा पवार हैं उनसे मिला और उनको स्वीकार कराया कि वो मदद करेंगे। तो कुल मिला के राजनीति से ऊपर उठकर व्यापारियों के हित में
और समाज के हित में, देश हित में ये जीएसटी बढ़नी नहीं चाहिए, वो मेरी बात थी, वो बात केंद्र सरकार ने स्वीकार की और स्वयं के चंद्र सिंह ने हमारे पास मंत्री भेजे डॉक्टर भागवत करार को, उन्होंने हमारी बात को समझा और बात प्रधानमंत्री तक पहुँचाई और आज जो जीएसटी काउंसिल है उसमें पोस्टपोन हो गया। तो ये बहुत बड़ी विजय है, बहुत बड़े कपड़ा बाजार को फायदा होगा, जनता को फायदा होगा और गुड गुड विन विन सिचुएशन होगी और खुशी का माहौल होगा। और नए साल में आज 31 को जा रहा है, 22 में कपड़े बाजार में करीबन 12 करोड़ लोग लगे होंगे डायरेक्ट जी, 12 करोड़ लोगों के चेहरे पे खुशी आएगी, इससे बढ़कर कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। थैंक यू सर। जिस तरह से उमंग चैरिटेबल ट्रस्ट ने आज गरवारे क्लब हाउस में कैलेंडर का विमोचन किया है, आप भी शिरकत करने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? उमंग उमंग की टीम से आप भी जुड़े हैं जी। जी, सबसे पहले तो नए साल की देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। रोहित सर ऑनरेबल भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, उनके सौभाग्य से हमको यहाँ कैलेंडर विमोचन करने का मौका मिला, हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। और हमारी टीम गरीबों के लिए और झोपड़पट्टी वासियों के लिए सब काम कर रहे हैं और हमेशा आगे भी करते रहेंगे। उसके नायक हमारे जावेद भाई साहब हैं, इन्होंने इस ट्रस्ट को खड़ा किया, हम लोग को शामिल किया, हमारे छोटे भाई एक आवाज के हमने के आगे और साथियों के काम कर रहे हैं, आगे भी और इससे अच्छा काम करके इस ट्रस्ट को बहुत आगे लेके जाएंगे। बस इतना, धन्यवाद। आज जो है उमंग चैरिटेबल ट्रस्ट के आप मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, अध्यक्ष जावेद खान जी और पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। और सबसे बड़ी फोटो की बात है, गरवारे क्लब हाउस में महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकोट पुरोहित जी के हाथों कैलेंडर में चल रहा है, नए साल के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं सभी देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और दूसरा हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी श्री जावेद खान जी के नेतृत्व में सब काम कर रहे हैं और 2022 का आज कैलेंडर का विमोचन हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री और यह गरवारे क्लब हाउस के वाइस चेयरमैन हैं, उनके हाथों को हुआ है, यह भी बड़े फक्र की महसूस होता है। संपत जी, जैसा क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह सुमन चैरिटेबल ट्रस्ट के आप ट्रस्टी हैं, हर कार्यक्रम में आप शिरकत करते हैं, जावेद खान जो इसके अध्यक्ष हैं उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करते हैं, आज जो कैलेंडर विमोचन है उसके लिए क्या कहते हैं? हम हर वर्ष करते हैं, इस वर्ष बातें हम हमारे राजपुरोहित जी खास लोकप्रिय नेता है, गरवारे क्लब के भी है उपाध्यक्ष है, उनके हाथों से हम विमोचन कराना चाहते तो हमारा कराया और हम हर वर्ष की तरह इसको करते रहे। देश में इस तरह से आप कार्य करते हैं, नए साल का आगाज हो चुका है, उमंग चैरिटेबल ट्रस्ट हर साल की तरह इस साल भी कैलेंडर विमोचन और इस बार गरवारे क्लब हाउस में राजकोट पुरोहित जी के द्वारा किया गया, क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं आपको बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझता हूँ कि गरवारे क्लब के वाइस चेयरमैन हैं राजकोट पुरोहित जी, उनके हाथों आज कैलेंडर का विमोचन हुआ है, ये मेरे लिए नए साल के लिए बहुत बड़ी सौगात मुझे मिला है। उमंग चैरिटेबल ट्रस्ट के आप अध्यक्ष हैं, पूरी टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरह से कार्य करती है? उमंग चैरिटेबल ट्रस्ट जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश करती है और आज भी हमारा कार्यक्रम है, अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे, जो जरूरतमंद है उनको कंबल देना है, जिसको कंबल देकर क्या है और जो कुछ जरूरतमंद बच्चे हैं उनको कार्यक्रम करना है और हम इसी तरह से इंशाल्लाह काम करते ही रहे। जावेद खान जी, अब आखिरी सवाल, 2021 काफ़ी कष्टदायक रहा लोगों के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए, 2022 के लिए आप लोगों को क्या शुभकामना देना चाहेंगे मुंबई वासियों को? 2021 जो गया है, 2021 को तो मैं मानूंगा ही नहीं, मैं गिनूंगा ही नहीं, 2022 आने वाला नया साल है, बस मैं यही दुआ करूँगा कि देश में सुख शांति का माहौल बना रहे और हर बंदा जो है बीमारी से, कोरोना महामारी से बचा रहे, बस अपने आप को महफूज रखें और कोरोना से अगर बचना है तो बंदे को यही काम करना है कि सामने वाले को कोरोना है, इससे ये हिसाब से अपने आप को सेफ रखें तो बीमारी फैलेगी नहीं, बड़ी बीमारी नहीं तो महामारी।